हेलो, आज हमारा सिक्स लेक्चर है इन विच वी आर स्टडीइंग इन डिफरेंट एमसीक्यूज। टुडेज टॉपिक इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जिसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑफिस पैकेज है, जिसके अंदर डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स का एक पैकेज बना हुआ है, जिसके अंदर पावर पॉइंट है, जिसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल है, और भी सॉफ्टवेयर्स हैं। इस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो उसी के अंदर एक, जिसके अंदर हम ड्राफ्टिंग और टाइपिंग वगैरह करते हैं। तो पहला एमसीक्यूज है, वर्ड इज़ ए टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अच्छा, सॉफ्टवेयर दो किस्म के होते हैं। एक होते हैं सॉफ्टवेयर दो किस्म के होते हैं, अच्छा सॉफ्टवेयर दो किस्म के होते हैं। एक होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, जिनको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर करते हैं, जो हमारे काम करते हैं, जो यूज़र का वर्क करते हैं, और एक वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर का काम करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट अपना विंडोज़ का काम करते हैं, या सिस्टम को मेंटेन करते हैं, उनको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। सो वर्ड इज़ अ टाइप ऑफ डैश सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सेकेंड वन, डैश व्यू इज़ द बेस्ट वे टू सी द वर्क इन द वर्ड। सो वर्ड के अंदर काम को देखने के लिए आउटलाइन से भी देख सकते हैं, ड्राफ्ट से भी देख सकते हैं, प्रिंट लेआउट से भी, फुल स्क्रीन से भी, बट प्रिंट लेआउट जो जिसके जरिए हम व्यू कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को, दैट इज़ द बेस्ट वन। थर्ड वन, ए यूज़र कैन व्यू डिफरेंट एरियाज ऑफ ए लॉन्ग डॉक्यूमेंट्स बाय डैश ए डॉक्यूमेंट, बाई स्प्लिटिंग, डॉक्यूमेंट्स को स्प्लिट करके हम उसको अच्छे तरीके से जो है ना वो हम देख सकते हैं। फोर्थ वन, डिलीट की डिलीट्स लेटर्स फ्रॉम दी डैश साइड राइट साइड, ये मैंने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था। एंडो फीचर इज यूज टू डिस्कार्ड चेंजेस, डिस्कार्ड लास्ट चेंजेस मेड इन द डॉक्यूमेंट्स। दो बटन होते हैं, एक अंडू होता है, एक रीडू होता है। रीडू जो होता है वो जब भी आपने काम करके ख़त्म किया, अंडू को रीडू करता है, और अंडू वो काम जो भी आपने काम किया है उसको आप चाह रहे हैं कि उसको मैंने नहीं करना चाहिए था, तो आप उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं भाई अंडू के ज़रिए। कंट्रोल वाई और कंट्रोल जी, इनके दो शॉर्टकट्स हैं। सिक्स वन, वर्ड शोज द डॉक्यूमेंट्स इंफॉर्मेशन टोटल पेजेस वर्ड्स आर द डैश बार स्टेटस बार। स्टेटस बार जो है यहाँ पर सबसे नीचे बॉटम वाली जो बार है, टास्क बार जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर जो है वो स्टेटस बार नज़र आ रही है। जब ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चलता है तो उसके अंदर ये स्टेटस बार आ रही है जो बताती है इस डॉक्यूमेंट के अंदर इतने पेज हैं, इतने वर्ड्स हैं, इतने लेटर्स हैं, एट्सेट्रा। सेवन्थ है, चेंजिंग द विड्थ ऑफ द लाइन इन ए पैराग्राफ इज नोन एज डैश। पैराग्राफ की विड्थ को चेंज करना, उसको हम आइडेंटेशन कहते हैं। डैश इज यूज टू पोजिशन द टेक्स्ट ऑन द स्पेसिफिक लोकेशन। टैब बटन एक कीबोर्ड के ऊपर होता है जो कि 8 स्पेसेस को एट ए टाइम जंप लगवाता है। मोस्टली किसी पैराग्राफ को शुरू करने से पहले हम टैब ही यूज़ करते हैं पहली लाइन को। नेक्स्ट, डैश ब्रेक इज पॉइंट वेयर द करंट पेज एंड्स एंड ए न्यू पेज बिगन्स। सेक्शन ब्रेक, नेक्स्ट, ए यूज़र कैन सेपरेट पार्ट्स ऑफ ए डॉक्यूमेंट बाई यूजिंग डैश ब्रेक। यूजर कैन सेपरेट पार्ट्स ऑफ ए डॉक्यूमेंट बाई पेज ब्रेक। डैश इज ए एन अमाउंट ऑफ स्पेस बिटवीन द टेक्स्ट एंड एज ऑफ योर पेपर्स, अमाउंट ऑफ स्पेस बिटवीन टेक्स्ट एंड एज ऑफ योर पेपर, मार्जिन। सॉफ्ट पेज ब्रेक इज ऑल्सो नोन एज
ऑटोमेटिक पेज ब्रेक। नेक्स्ट वन है डैश आर टेक्स्ट आर पिक्चर दैट अपेयर्स बिहाइंड द डॉक्यूमेंट्स टेक्स्ट वाटरमार्क। वाटरमार्क मोस्टली हमारे जो पेज होता है जैसे ये सारा उसके पीछे हल्का सा नज़र आ रहा होता है, क्लियर नहीं नज़र आ रहा होता। किसी कंपनी का जो राइट्स होते हैं अक्सर वो वाटरमार्क लगा देते हैं। ऑलवेज डैश ए डॉक्यूमेंट्स बिफोर प्रिंटिंग। डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करने से पहले हमें प्रीव्यू करना चाहिए, देखना चाहिए, व्यू नहीं देखना चाहिए बल्कि प्रीव्यू करना चाहिए। लास्ट है डैश इज द वे इन विच टेक्स्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द मार्जिन्स ऑफ ए पेज। अलाइनमेंट इज द वे इन विच द टेक्स्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द मार्जिन्स ऑफ ए पेज।